लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने हरियाणा में अपने 8 प्रत्याशियों की घोषणा की है और एक सीट पर फैसला सुरक्षित रखा है। यहां से अंबाला लोकसभा क्षेत्र से वरुण चौधरी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वहीं अगर सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। वहीं अगर हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से जयप्रकाश मैदान में है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया है। करनाल की बात करें तो यहां से दिव्यांशु बुद्धि राजा मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अगर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां से सतपाल ब्रह्मचारी को मौका मिला है। वहीं बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली मैदान में हैं। अगर रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां से दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से अरविंद शर्मा मैदान में है। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात की जाए तो यहां से राव दान सिंह को टिकट मिला है। वहीं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से महेंद्र प्रताप को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है।